तो यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है रणथंभौर दुर्ग के लिए। ऊपर गणेश जी का एक भव्य मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहलाता है, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र गणेश मंदिर है। क्योंकि पहले जो रणथंभौर हुआ, दूसरा जो चित्तौड़ हुआ था राजस्थान, वो चित्तौड़ का फेमस है, ये इतना फेमस नहीं है। वो कहते हैं कि गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया, रानी में रानी पद्मावती और सब, इसलिए वो फेमस ज़्यादा था। दुर्ग की चढ़ाई करते समय आपको रास्ते में कई दरवाजों को पार करना होता है, और इसी तरह से हम इस हाथी पोल से आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक दुर्ग और प्रकृति की खूबसूरती, ऐसा मिलन आपको कहीं कहीं देखने को ही मिलता है। मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई है, गाइड की सुविधा भी आपको यहाँ मिल जाती है। ये महाराजा अमीर 1282 में आके लास्ट किंग अमीर जी बने। इन्होंने एक फ्रेंड बोला, शरणार्थी को फ्रेंड देना, गरीब की सेवा करना मेरा कर्तव्य धर्म है, इस बात को बोल के यहाँ के राजा बन गए। अपने मुस्लिम ऐसे भी नाम लगता है कुछ मुस्लिम अमीर जी। ये महाराजा अमीर बताते कि पृथ्वीराज चौहान जी थे ना, उनके बेटे गोविंद राज जी ने आके रणथंभौर फोर्ट में 1152 नया राज्य किया। उनके बेटे बेटे जयत्र सिंह चौहान जी, उन्होंने रणथंभौर में 32 साल शासन किया, और जयत्र सिंह चौहान के बेटे बेटे अमीर जी ऐसे चौहान बने उसके राज चौहान जी के पटपोते बच्चे। दिल्ली के 22 जलाउद्दीन खिलजी, 22 जलाउद्दीन खिलजी ने आके रणथंभौर फोर्ट में आरती करने के यहाँ पर। चढ़ाई के दौरान आपको कई छोटे बड़े मंदिर दुर्ग में देखने को मिलेंगे। दुर्ग की चढ़ाई के दौरान आपको एक छोटा सा टनल जैसा, गुफा जैसा रास्ता भी मिलेगा। आजा सीताराम जी के मंदिर में, यह है बहुत ही प्राचीन सीताराम जी का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जय सियाराम। एक शिवलिंग रखा हुआ है और एक नंदी की तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर उपलब्ध है। चलो गुरुजी, ये 32 खंभों की छतरी दिखाते हैं। 32 ही होती है ना वैसे। ये पाल की मार है। जय गणेश। जय गणेश। ओम गणेश। पाल की में होके सवार चली रे, मैं तो गणेश जी के द्वार चली। देखो साहब, हमारे साथ कुमार सानू साहब चल रहे हैं। वीडियो बन रहा है बिल्कुल। भाई साहब, हमारा चैनल है नरेंद्र अग्रवाल करके,
उस पर देखना आपकी आवाज। बत्तीस खंभों के रहस्य को पता करते हैं आज, कोई मिल जाए रहस्य बताने वाला था। इधर क्या है जी, क्या कुछ अंदर? हाँ है ना, क्या बोले, मंदिर है। अरे भाई देखिए प्राचीन मंदिर, ओहो गजब। जय भोलेनाथ, गजब, बहुत अच्छा मंदिर। अंदर बिल्कुल अभिषेक कीजिए, बहुत ही प्यारा शिवलिंग है बड़ा सारा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या प्यारा मंदिर है यार। नमामि गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत प्यारा मंदिर है यार, मैं इतनी बार आया जा रहा है। बत्तीस खंभों की छतरी के नीचे आपको ये भव्य प्राचीन पौराणिक शिव मंदिर मिलेगा। तो जब भी आप रणथंभौर जाएं, इस मंदिर को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यही है खूबसूरत बत्तीस खंभों की छतरी। 32 खंबे दिखाते हैं आप लोगों को। ये खंबे बच्चे, इधर से देखो उधर से खूबसूरत दृश्य। क्या कारीगरी है। रास्ते भर कई पर्यटक आपको देखने को मिलेंगे, कुछ लोग गाइड्स के साथ तो कुछ अकेले ही। उसमें क्या से जो अराउजन खिंचता है वो रणथंभौर फोर्ट के नहीं जीत पाया, क्योंकि जो रणथंभौर फोर्ट के दरअसल 700 फीट की ऊंचाई बना पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेने की स्पोर्ट में परवेश नहीं कर पाते थे, वो राजा हीर का एक ही सेने में कहीं नहीं सेने भाग गया था। ये गणेश जी के रास्ते में इस तरह से देखिए, जो लोग पत्थरों से घर बना के जाते हैं, ये दिख रहा आपको, ये पत्थरों से घर बनाए हुए हैं इस तरह से। बहुत सारे घर बने हुए देखिए आप, हजारों की संख्या में। इस तरह से जो लोग घर बनाकर जाते हैं, कहते हैं कि उनका घर सचमुच में उनका घर का मकान बन जाता है। और किसी और की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि मैंने यहाँ पर पत्थरों से घर बनाया था और वास्तव में कुछ ही दिनों के बाद मेरा घर बन गया था, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। देखो भाई साहब घर बना रहे हैं, बनाओ भाई साहब बनाओ, पूरी दुनिया देख रही है आप चार मंजिल बनाओ भाई साहब, जितना मैं पेट भरता हूँ उतना का काम करो। लेकिन है ना, हंसी मजाक में मत बनाओ, अगर वास्तव में श्रद्धा से बनाओगे ना तो बिल्कुल बनेगा, मेरा खुद का बना घर देख लो जी, ये बना रहे हैं घर। कहाँ से हो सर आप? हिंडौन से सर। हिंडौन से, अच्छा। बस कुछ ही दूरी पर गणेश जी का मंदिर आने वाला है, बहुत ही प्राचीन, लगभग 1600 साल पुराना दुर्ग है। इस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग। यहाँ आने के लिए आपको सवाई माधोपुर आना होता है। सवाई माधोपुर एक डिस्ट्रिक्ट जिला है राजस्थान का। संपूर्ण भारत से सवाई माधोपुर के लिए ट्रेन्स चलती है। सवाई माधोपुर आने के बाद में आपको स्टेशन पर टैक्सीज मिल जाती है, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर रणथंभौर स्थित है। यहाँ बंदर काफ़ी मात्रा में मिलेंगे आपको, देखिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको जूम करके, ठीक है। तो काफ़ी मात्रा में बंदर हैं यहाँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये केवल बस प्रसाद खाने के लिए यहाँ खड़े हैं। वो भागे, ये देखो ये प्रसाद खाने के लिए भाग रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है। पूरे बंदरों की फौज आ गई भाई। ओहो ये देखिए बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, प्रसाद खाने के लिए
इसके अंदर कैसे लग के बस हमारी मंजिल कुछ ही दूर और बची है। थोड़ी ही दूर बाद त्रिनेत्र गणेश जी का भव्य मंदिर आने ही वाला है। शुरू हो चुका है, ये रेलिंग्स आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ काफ़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला लगता है, यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन बहुत बड़ा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये क्या बज रहा भाई, मेरा मोबाइल कैसे कैसे बज रहा, मेरा नहीं आपका बज रहा मोबाइल, अनिक तेरा ही बज रहा होगा। मंदिर से ठीक पहले यहाँ काफ़ी सारी दुकानें सजी हुई है, आप देख सकते हैं। प्रसाद की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकान है। चलिए मंदिर में दर्शन कराते हैं, पट बंद होने वाले हैं इसलिए मंदिर में चलते हैं पहले। यहीं पर हमारी यात्रा पूर्ण होती है, तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। तो दोस्तों यह वीडियो, ये यात्रा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय गणेश जी भगवान।